दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 भी बिल्कुल वैसे ही है, 27। इसमें भी मोशन वर्टिकली मोड में हो रहा है या वर्टिकल प्लेन में हो रहा है। ये आपकी बॉडी थी जिसका मास एल था और ये वर्टिकल प्लेन में घूम रही है, यानी अगेंस्ट ग्रेविटी पहुंची, यहाँ पहुंची। जैसे यहाँ पहुंची, धरती माता ने कहा मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, यानी एमजी से धरती माता खींचने लगी। जिस डोरी से बंधा होगा उसको चाहे आप एल कह दिए या जिस रेडियस में घूम रहा है उसको आप आर कह दीजिए, बात एक ही है। यहाँ वी वेलोसिटी से जाना था, मामला सर्कुलर मोशन का था, तो आपको मालूम है एक फोर्स लगेगा सेंट्रीफ्यूगल जो एम वी स्क्वायर अपॉन आर या एल होगा, वही इसको बचा पाएगा। तो ये वाला फोर्स धरती माता खींच रही है, सेंटीपिटल फोर्स, और इसको बचाए रखने के लिए फ्यूगल को इसकी वेलोसिटी है उससे निकल रहा है। पहला काम वही करना पड़ेगा, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो सक्सेसफुली निकल जाए। तो आपने कहा सर हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी सक्सेसफुली पास करने के लिए ये कंपोनेंट एम वी स्क्वायर अपॉन एल बराबर एम जी के होना चाहिए, यानी वी स्क्वायर बराबर एल जी। एल 7 मीटर का दे रखा है आपको, 5 मीटर का रेडियस है और 5 मीटर का रेडियस है, यानी आर एल आपका 5 मीटर का है, जी आप लगा लीजिए 9.8, काम बन जाएगा। 8×5=40, 45, 49, यानी वी हो जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड। दूसरा पूछ रहा है लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन, वही बात आ गई 27 में सवाल की। देखो ये वर्टिकल प्लेन में धरती माता खींचेंगी, यानी एमजी यहां लगेगा। अगर बेटा ये वेलोसिटी मिल जाए हमको, एम ए राइट, अगर ये वेलोसिटी मिल जाए हमको नहीं, लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी पूछ रहा है, टेंशन की जरूरत नहीं, तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। अगर लोएस्ट वेलोसिटी पे बी है और यहाँ यू है तो फिर हम वही काम कर सकते हैं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh, h बेटा कितना हुआ यहां से लेके यहां तक, यानी 2r, काम बन गया आपका। यू स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर प्लस 4gr, वी आपको मिल गया 7 का स्क्वायर, एम ए राइट, 4 9.8 × 5 मीटर। तो आप कह सकते हैं 49 प्लस कितना हो जाएगा, 4×5 20, उस 0 से 2 गया ये कट गया, अब बचा 2 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 8×9=16, 2×9=18=19, इसलिए यू स्क्वायर बराबर 5 4 8 5, एम आई राइट। चलिए इसको भी तोड़ लीजिए, 9 9 5 4 1 5 1, 7 के पहाड़े में आता है क्योंकि 7 वो आ रहा है आपका, 155/7, प्लस ये देख लीजिए 4×9.8 मल्टीप्लाई बाई 5,
196 प्लस 49 245। कॉमन गया 7 3 21, क्योंकि हमको लाना है 7 के टर्म में, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 49। इसको आप तोड़ लीजिए, इसको आप तोड़ लीजिए, 7 है ना, तो आपका 49 इंटू 5 हो जाएगा, 9 5 45 और 20 4 24। इसलिए आप कह सकते हैं कि यू इज इक्वल टू 7√5 मीटर पर सेकेंड।